महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में हुआ। उनकी पत्नी की भी आयु लगभग 13 वर्ष ही थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है कि इस विवाह के कारण मुझे अपने ऊपर दया आती है। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में लागू भी किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी को ने जब इस बदलाव की तरफ अपने विचार व्यक्त किए, तब एक युवक ने, ऋषिकेश के एक युवक ने संस्कृत निष्ठ हिंदी में उन्हें पत्र लिखा कि वे पुराणों की संहिता के खिलाफ है, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है और आस्था को समाप्त करना चाहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि महात्मा गांधी ने शारदा एक्ट, जो 1 अप्रैल 1930 को, जिसमें शादी की उम्र बढ़ा दी गई थी, उसके पूर्व ही अपने परिवार के अंदर शादी की उम्र बढ़ा दी थी। उनके पहले पुत्र हरिलाल का विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ। यह भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध हुआ। वे अफ्रीका में थे और विवाह यहाँ कर दिया गया था। स्वयं महात्मा गांधी ने अपने दूसरे पुत्र मणिलाल का विवाह 33 वर्ष की उम्र में सुशीला से सन 1927 में करवाया। इसी तरह तीसरे पुत्र रामदास का विवाह 32 वर्ष की उम्र में सन 1928 में निर्मला से करवाया और चौथे पुत्र देवदास का विवाह 34 वर्ष की उम्र में 1933 में लक्ष्मी से करवाया। इसीलिए हम उन्हें महात्मा मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने जो कहते थे उसे अपने जीवन में भी लागू किया। समाज सुधार का कार्य बहुत कठिन है। जो सुधार समाज सुधारक समाज में चाहता है, उसे स्वयं में और अपने परिवार में भी लागू करवाना पड़ता है, तभी समाज में उनकी बात का वजन रहता है। महात्मा जी ने जो भी सुधार बदलाव समाज में चाहे, वे स्वयं पे और अपने परिवार पर भी लागू किए, इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है।